मानव अधिकार परिषद के शहर अध्यक्ष बने वसीम सलमानी। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग आई BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन्स ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। शुक्रवार को होटल सोबराज के पीछे गली में एक निजी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष शैलेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश शर्मा द्वारा वसीम सलमानी को मानव अधिकार परिषद का शहर अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर सलमानी का हार माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष शैलेश गुप्ता ने बताया कि मानव अधिकार परिषद हमेशा जन कल्याण के लिए कार्य करता है। हमें उम्मीद है कि वसीम सलमानी संगठन को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। शहर अध्यक्ष वसीम सलमानी ने कहा कि किसी भी समय किसी भी ज़रूरतमंद को मेरी कोई भी सेवा की ज़रूरत हो तो कभी भी याद कर सकता है, क्योंकि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। इस अवसर पर अध्यक्ष शैलेश गुप्ता, चंद्रप्रकाश शर्मा, आरिफ हुसैन, जितेंद्र भाटिया, अंकित शर्मा, असलम घोषी, योगेश जाटोलिया, इकबाल मोयल, नईम खान आदि मौजूद रहे। नमस्कार सर, मुझे शहर अध्यक्ष बनाया मानव अधिकार का, तो जिस विश्वास से मुझे बनाया गया उसी विश्वास से मैं खड़ा उतरूँगा। किस तरह के काम करोगे आप? जिस तरह से शैलेश भैया ने बताया उसी तरह मानव अधिकार के, मानव सेवा के लिए, वृक्षारोपण के लिए, सब के लिए, रक्तदान होगा और भी कोरोना वायरस ये है सब। आज मानव अधिकार परिषद के कार्य करने का जब विस्तार करें तो जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश शर्मा जी ने हमारे शहर अध्यक्ष का जो घोषणा करी है उसमें वसीम भाई सुलेमानी को हमने शहर अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया है। हम इससे इनसे उम्मीद करते हैं कि ये संगठन इतने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। हमारा काम एक ही है कि हम संगठन को कैसे सक्रिय करें और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। हमारे संगठन के अंदर मानव अधिकार परिषद में वृक्षारोपण है, रक्तदान है, ऐसे कई सामाजिक कार्य हैं, उसको हम करते हैं।